इतिहास निर्माण का ये 125वां जयंती समारोह के उपस्थित संपूर्ण महानुभावों को नेपाल के धरती से, बुद्ध जन्मभूमि के धरती से, हिमाल के धरती से, संसार के महान मानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के इस पुण्य भूमि जन्मभूमि पे मैं अपने नेपाली जनताओं के तरफ से और संसार के बाबा साहब अंबेडकर वादियों के तरफ से नमन करना चाहूंगा। जय भीम। 125वां जयंती समारोह ये संसार के हर कोने में मनाई जा रही है और नेपाल में भी 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है और पूरे नेपाल के धरती में बाबा साहब के उस झंडाओं को, उस विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं ये कह देना चाहूंगा कि बाबा साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए अंबेडकरवादी दर्शन और बुद्ध की दर्शन हमारे साथ है, हमारे ईमान में है, हमारे मस्तिष्क में है और हमारे संसार के मानवों में है। इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और रिजर्वेशन, ये हमारे मानवता की कल्याणकारी भूमिकाओं में, ये संसार के हर देशों के कानूनों में लिखने का जो उन्होंने देन दिया, ये नेपाल के संविधान में भी लिखा गया है। मैं इस भारत के संविधान को नमन करता हूं और नेपाल के संविधान को भी सम्मान करता हूं। बाबा साहब यदि भारत के इस भूमि में पैदा नहीं होते तो संसार के अरबों अरब जो इंसान है, जो विभेद से ग्रस्त हैं, वैसे इंसानों को मानव का दर्जा आज के 21वीं सदी में नहीं मिलता। ये सारा जस बाबा साहब को जाता है, इस भूमि को जाता है। मैं ये कह देना चाहूंगा, भारत के संविधान, एक दलितों का बेटा ने लिखा भारत का संविधान, तो भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान हुआ विश्व में महान। ऐसा संसार भर में बनना चाहिए संविधान, ये भारत के संविधान से संसार का संविधान को प्रभाव में ले आता है। आज संसार के हर कोने में एक पहला मिनिस्टर हूं मैं जो 1972 के बाद नेपाल के धरती में बाबा साहब के झंडा को गाड़ा और उनके विचार को ले गया। वो पहला भारत से बाहर किसी देश में यदि है तो मैं पहला मिनिस्टर हूं नेपाल का जो भारत में बाबा साहब के विचार पे झंडा आप लोग ने फहराया और मैं भारत में सीखा और नेपाल में मैंने उस झंडा को गाड़ा। मैं चाहता हूं कि संसार से सबसे ऊंची हिमालय है जिसमें बाबा साहब का झंडा भी गड़े, संसार को देखे और इतिहास मिले। नेपाल वो भूमि है जहां परम पूज्य गौतम बुद्ध की जन्म हुई और भारत ये भूमि है कि बाबा साहब का जन्म हुआ। तो बाबा साहब का जन्म और गौतम बुद्ध का जन्म भूमि दोनों पुण्य भूमि है, मैं ये मानता हूं। नेपाल के संविधान में कुछ लोग ने कह रहा है कि नेपाल में गणतंत्र आई है, नेपाल में संघीयता आई है, नेपाल में धर्मनिरपेक्षता हुई है और नेपाल में वंचित 74.2% लोगों को भागीदारी का संबोधन संविधान में हुआ है। तो ये बात किसी को पच नहीं रहा है, स्वीकार्य नहीं है। तो मैं ये कह देना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेपाल का संविधान 7 बार वहां के शासकों ने लिखा था, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग, एक ही परिवार के लोग, जो 6 बार का संविधान ने हमारे वंचित समाज को कुछ नहीं दिया और 8वां बार संविधान से संविधान बना है, संविधान सभा से। पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का भी मैं मेंबर था, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का भी मेंबर रहा और मैं ये कह देना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपने कलम से भारत के
तमाम लोगों का भाग्य का फैसला कर दिया तो संसार के भाग्य का फैसला होगा, ये निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। अमीर जी आए थे, उन्होंने कहा, उनकी साहस की बात मैं करता हूं, मैं बता देना चाहूंगा, यदि नेल्सन मंडेला ने अपने जुबान को खोला तो उस समय बाबा साहब की नाम ली गई थी, मार्टिन लूथर किंग ने लिया, उन्होंने भी उन विचारों पे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो संसार के वंचित समाज के लोग। तो आज मैं ये कह देना चाहूंगा, बाबा साहब हमारे साथ नहीं है, बाबा साहब अगर रहते तो कुछ और होता, जो चीज बाबा साहब ने पूरा नहीं कर सके, जो चीज संविधान में नहीं आई और उस समय के पुराने शासकों ने नहीं माना, उसको पूरा करने का जिम्मेवारी आप लोगों को है, इस धरती के नौजवानों को है, सारे अंबेडकरवादियों का है। और इस लड़ाई में पूरा करने में नेपाल भारत लगायत संसार के जिस जिस देश में मानवों पे अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, दमन होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है, ऐसे अन्याय को विरोध में लड़ने का साहस अब हमें करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाबा साहब के इस भूमि को नमन करते हुए नेपाल के संविधान, भारत की तरह ही नेपाल के संविधान में और कुछ व्यवस्थाएं हो और भारत के हमारे मित्र पड़ोसी राष्ट्र जितने हैं ये सभी लोकतांत्रिक मुलुक, गणतांत्रिक मुलुक जो हैं, वो सब मिल करके भारत का लोकतंत्र भी फले फूले, भारत का भी समाजवाद फले फूले और नेपाल का भी समाजवाद और लोकतंत्र फले फूले, बाबा साहब का झंडा अमर रहे, हिमालय पर्वत पर गाड़ने के लिए आप लोग तैयार रहे। आप लोगों के लिए मई को लास्ट में काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब के विचार के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें मैं सभी को आमंत्रण करता हूं। परम पूज्य बुद्धि भूमि में आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। और अनंत में प्रकाश जी ने कहा, मैं इस भारत में 1972 में पहले किताब बाबा साहब से पढ़ा और कांशीराम साहब से कुछ चीज सीखा जिसको मैंने नेपाल में लागू किया, तो मैं उन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए आप लोगों से विदा होता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।